Hi dear students, I am Shivani Agrawal and you are watching my YouTube Expression Students Club. Imperative sentences का 44वां वीडियो है, 44th वीडियो है. पहला सेंटेंस है, इतने आलसी मत बनो. जनरली हम कहते हैं डोंट बी सो आइडल, डोंट बी सो लेजी. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा आलसी को क्या कहते हैं, डोंट बी इंडोलेंट, डोंट बी इंडोलेंट. तो आज से अपनी डिक्शनरी में आप ये वर्ड कलेक्ट कर लीजिए, डोंट बी इंडोलेंट, डोंट बी इंडोलेंट. इतने आलसी मत बनो, डोंट बी इंडोलेंट. अगला वर्ड है, इतने उत्सुक मत हो, सच्चाई जल्दी ही बाहर आ जाएगी. डोंट बी सो क्रेजी, डोंट बी सो कीन, डोंट बी सो कीन, ट्रुथ विल कम आउट सून. डोंट बी सो कीन, ट्रुथ विल कम आउट सून. डोंट बी सो कीन, ट्रुथ विल कम आउट सून. डोंट बी सो कीन, ट्रुथ विल कम आउट सून. कीन का मतलब उत्सुक या जिज्ञासु. इतने बातूनी मत बनो, डोंट बी सो टॉकेटिव, डोंट बी सो टॉकेटिव, डोंट बी सो टॉकेटिव. और जो बहुत बातें करता है उसे चैटर बॉक्स कह सकते हैं. इतने शांत मत रहो, देखिए बातूनी का उल्टा है शांत. तो इतना डोंट बी सो टैकीटर्न, टैकीटर्न का मतलब होता है शांत, अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हो, जो शांत रहता हो. तो डोंट बी सो टैकीटर्न, यहाँ पर आपको अपोजिट में एंटोनिम में भी काम आएगा कि टॉकेटिव का जो एंटोनिम है वो टैकीटर्न है. तो डोंट बी सो टैकीटर्न, डोंट बी सो टैकीटर्न. अगला है, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट मी. मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट मी. तो इसी तरह से हम आज के वीडियो का अंत करते हैं. अगर आपको इसके अलावा कोई भी सेंटेंस लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. सीखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए.